हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूपी सुपर टेट का यानी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो 69,000 पोस्टों के लिए भर्ती होनी थी, उसका आज एग्ज़ाम हुआ 6 जनवरी को। वो जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे हम आपको इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद जस्ट आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से कि बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशुघोष के द्वारा बुद्ध चरित महाकाव्य लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय का थीम क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो थीम था उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा आपका, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। यह विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था 138 कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आया था, तो जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 133वां, यानी 133। यह भारत का विश्व में स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो नाथपंथ प्रवर्तक जो हैं वो गुरु गोरखनाथ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यूपी में जो वर्तमान CM है यानी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था 40, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 था, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है किसने बनवाया। यानी कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण जिसने कराया था वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। नरसिंह वर्मन सेकेंड इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है वो चुनार की खान वहाँ पर स्थित है, मगर जो क्वेश्चन में था वो नृत्य के लिए पूछा गया था, यानी कि मिर्ज़ापुर में कौन सा नृत्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कजली नृत्य मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सोवा एयरपोर्ट स्थित हुआ है। अभी वर्तमान का क्वेश्चन था, करंट से क्वेश्चन था, सोवा एयरपोर्ट जो बनाया गया है वो सिक्किम में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन देखते हैं 44, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, खुर्जा में केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा गया था दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भरत वाटवानी को यह पुरस्कार अब की बार मिला है, भरत वाटवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2017 का जो भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर रमेश चंद्र साहा को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2018 पूछा गया था, प्रदान नहीं किया गया। तो दोस्तों आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है, और अब की बार जो है साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान नहीं किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया है, भौतिक के में दिया गया है, और रसायन के में दिया गया है, मगर साहित्य के क्षेत्र में इस बार नोबल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USA टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की जो विजेता थी वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका, नाओमी ओसाका ने अब की बार USA ओपन टेनिस में 2018 जीता। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। वर्ष 2017 के लिए पूछा गया था दोस्तों, तो वर्ष 2017 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है वो था आपका ऑप्शन नंबर टू, हिंदी मीडियम को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 50 नंबर का, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। काकून गलत है, गर्बन गलत है, कोतोहा गदर है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कटोविस पोलैंड में
जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नेपाल। नेपाल में रामायण सर्किट की शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाकी जो ऑप्शन 3 है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों जनरली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर आए होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कालिदास। भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेले को यूनेस्को की आमूर्तिक सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं, दुनिया में बहुत सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, और आपको बता दूं इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो कुंभ मेले का 2017 में सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, वो 2018 में फिर अर्धकुंभ भरना है। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, वो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है, मगर पूछा गया था कथकली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों दो टाइम रिपीट हो गया है, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सौरभ चौधरी का संबंध किस जिले से है। यूपी पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, सौरभ चौधरी मेरठ जिले से संबंध रखते हैं, और जो इसमें पूछा गया है पेपर में वो पूछा गया है किस खेल से संबंधित है, तो ये ना मुक्केबाजी से संबंधित है ना क्रिकेट से, ये जो संबंधित है आपका दोस्तों वो संबंधित है निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा 182 मीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है। ट्रेन 18 नहीं, ट्रेन 14 नहीं, ट्रेन 16 नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ट्रेन 18 भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 था, मार्च 2018 का भारत का पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रत्यूष, समेट, सियेरा, मिहिर, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यूष भारत का 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 59, 90वें ओस्कार 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। 90वें ओस्कार में 2018 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द सेप ऑफ वाटर, ये बाकी जो ऑप्शन है गलत है ये दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपके आंसर सही होते रहे होंगे और आपने आंसर सही देख किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 128 गलत है, 129 गलत है, 131 गलत है, सही आंसर हो जाएगा 130। मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 130वां है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर वर्तमान में एक लंबी बनाई जा रही है, बॉलीवुड में एक लंबी बनाई जा रही है, जो पुस्तक लिखी है वो संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। और मैं बता दूं, संजय बारू तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख सचिव रहे हैं, उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यानी मनमोहन सिंह पर यह पुस्तक लिखी है उनके कार्यकाल के दौरान जो घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेख किसके द्वारा लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी है नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों जब बता दूं, 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रेशर को कम करने के लिए, उनके बच्चों पर इफेक्ट कम प्रभाव पड़े, उसके बच्चों को सातवां देने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है। मिल्कमैन उपन्यास की जो लेखिका है ऑप्शन नंबर 3 है, एना बंस है। तो दोस्तों मैं बता दूं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुस्तकों पर बनकर आए हैं,
दोस्तों मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो दोस्तों, बहुत अच्छी आपने मेहनत की है और आपका नंबर पड़े। तो यही दोस्तों क्वेश्चन थे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जस्ट इसके बाद हम आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।